नमस्कार। आज की वीडियो में हम इस पुरानी जीन्स का यूज करके एक बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। जो नीचे से फोल्ड जीन्स की किनारी होती है इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से भी कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए सीधा खींच लेंगे निशान को। अब हम इसे कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं, बाकी जीन्स को हम अलग रख देंगे। अब देखिए इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने कट करके खोल लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से इसे सीधा कट करेंगे। थोड़ी सी यहाँ से तिरछी कटेंगे, इसे सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसे यहाँ से हमने सीधा कट कर लिया है। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। यहां से इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। इसकी ये देखिए, यहां से ऊपर की तरफ 11 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। पूरे में 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशानों को मिला लेंगे सीधा। अब इसे भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई है 11 इंच। अब इसे एक पीस को अलग रखेंगे। इसे लेंगे इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे बराबर इस तरह से। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच में निशान लगा लिया हमने। यहाँ से अंदर की तरफ हम 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह अब इस निशान को मिलाते हुए इस तरह गुलाई देंगे। फिर गुलाई दे देंगे इसे। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने गुलाई में कट कर लिया है। देखिए इस तरह से अब दूसरे पीस को रखेंगे इस तरह। इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसे रख के इसे भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें यहाँ से सेंटर का निशान लगाएंगे। इसी तरह नीचे से भी बराबर करके सेंटर का निशान लगाएंगे। इसी तरह इसमें भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। नीचे से भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। दोनों में हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हें एक साइड रखते हैं। देखिए सेम साइज की हमने दो पट्टियां दूसरे कपड़े में से कट की हैं। लेंथ है इनकी 38 इंच और विड्थ है इनकी 3 इंच। अब एक पट्टी लेंगे, इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पट्टियां हमने सिलाई से इस तरह फोल्ड करते हुए तैयार कर ली हैं। और देखिए पट्टी की चौड़ाई रखी हमने लगभग 1 इंच। अब दोनों पट्टियों को एक साइड रख देंगे। अब देखिए दूसरे कलर की पुरानी जीन्स में से मैंने इस तरह से कपड़ा कट किया है। 7x7 इंच का कपड़ा है ये। अब सबसे पहले हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है इसमें। देखिए इस तरह अब सबसे पहले इसे इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक सेंटर में निशान लगाएंगे। देखिए सेंटर का निशान लगा लिया। अब एक पीस लेंगे
इसमें भी हमने सेंटर का निशान लगाया था, तो इस निशान को इस सेंटर के निशान से मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह सिलाई लगाते हैं, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमने इसे इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा कर जोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान से हम इस तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे, फिर इस निशान से इस तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे, और इस सेंटर के निशान से इस तरह से 3 इंच में निशान लगाएंगे, और सेंटर के निशान से इस तरफ 3 इंच में फिर से निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे इस तरह लाइन खींच लेंगे, इसी तरह इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे इस तरह से, इसे एक तरफ रखेंगे, इसका दूसरा पीस लेंगे, इसमें भी हमने सेंटर के निशान लगाए। अब यहाँ से हम यहाँ पे भी हम 2 इंच में निशान लगाएंगे, इसी तरह सेंटर के निशान से इस तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे, निशान से इस तरफ 3 इंच में निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे, दोनों हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम कपड़े की पट्टी लेंगे, इस पट्टी को इस निशान से इस तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ देंगे, फिर इसे पकड़ेंगे, इसे इस निशान पे रखेंगे इस तरह, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ देंगे, इसे लेंगे इस निशान से इस तरह पट्टी को रखेंगे, इसका दूसरा सिरा पकड़ेंगे, इस निशान पर रखेंगे इस तरह, और इनमें भी सिलाई लगा कर इन्हें जोड़ देंगे। देखिए दोनों पट्टियाँ हमने जोड़ ली हैं इस तरह से, जो हमने निशान लगाए थे। पहले हमने इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक पट्टी को जोड़ लिया, फिर इस तरह सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक पट्टी को जोड़ लिया, दोनों पट्टियाँ हमने जोड़ ली हैं। आप चाहें तो इस तरह की पॉकेट इस साइड भी लगा सकते हैं। अब इसे लेंगे, अब इसे हम इस तरह नापेंगे, इस तरह से घुमाते हुए नापेंगे इसे, देखिए इस तरह यहाँ से यहाँ तक, यह है 33 इंच, पूरी गोलाई इसकी 33 इंच है। अब इसे एक साइड रखेंगे। आप देखिए दूसरे कलर की जीन्स में से मैंने इस तरह से एक पट्टी कट की है, इसकी लंबाई है 36 इंच, तो 33 इंच की पट्टी हमें कट करनी थी, 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, बाद में हम इसे कट कर लेंगे, और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। अब इसे लेंगे इस तरह रखेंगे, और इस तरह रखते हुए सिलाई लगाते हुए इस तरह से इस तरह यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी हम बाद में कट कर लेंगे, इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ लेंगे। देखिए पूरी पट्टी को हमने इस तरह से गोलाई में यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया है, अब एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे, हम इसका दूसरा पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इसे इस तरह गोलाई में सिलाई लगाकर इसलिए पूरी गोलाई में इस तरह से जोड़ते जाएंगे, इस तरह सिलाई लगा के जोड़ते जाएंगे इस तरह यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसको भी हमने इस तरह से गोलाई में सिलाई करके जोड़ दिया है, ये देखिए। अब इसे अब बिल्कुल सेंटर में करेंगे, हम इस पट्टी को इस तरह सेंटर करेंगे, इस पट्टी का इस तरफ से भी, देखिए इस तरह से। अब इस तरह नापेंगे इसे, यह है 39.5 इंच, 39.5 इंच है ये। अब इसे एक साइड रखेंगे, देखिए दो सेम साइज की पट्टियाँ मैंने और ली हैं, इसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 39.5 इंच पर हमने 1 इंच प्लस किया है, 14.5 इंच लंबाई है इसकी, 14.5 इंच, और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। इसी तरह सेम साइज़ की पट्टी भी है। अब देखिए हमने इसी साइज़ की एक चैन ली है, अब इस तरह से चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। देखिए चैन को इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा कर हमने जोड़ दिया है। अभी जो कपड़ा है इसको इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह, देखिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक एक किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने किनारे पर सिलाई लगाई है, ये देखिए इस तरह से। अब इसी साइज़ की दूसरी पट्टी लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे,
और इस तरह रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे इस तरह, और इस तरह करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह कपड़े को दबाते हुए यहाँ से यहाँ तक किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हमने ऊपर से इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से अब बैक को लेंगे, देखिए इस तरह पट्टी का बिल्कुल सेंटर करेंगे इसका, यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह, इस पट्टी का सेंटर करेंगे, इसमें भी निशान लगा लेंगे देखिए इस तरह से। अब इसे लेंगे इसे इस तरह सीधा करेंगे इस तरह से, इसके अंदर डालेंगे, और जो ये सिलाई है इस निशान से मिलाएंगे, जो यहाँ पे है सेंटर पे निशान लगाया हमने इसके पट्टी के, इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे इसे, यहाँ पे एक और पिन लगा लेंगे इस तरह। अब इस सिलाई को इस निशान से मिलाएंगे, यहाँ पे भी एक और पिन लगा लेंगे देखिए इस तरह से, इस तरह चारों तरफ ऑल पिन लगा लेंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे, ऑल पिन निकालते जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऑल पिन निकाल के हमने इसके चारों तरफ गोलाई में सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह। अब इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से इसे अंदर की तरफ करेंगे इस तरह, यहाँ से यहाँ तक गोलाई में पूरे में किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसे अंदर की तरफ करते हुए हमने चारों तरफ गोलाई में किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है, देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। इस तरह से हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है।